नमस्कार, मैं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान की 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। दिवाली से पहले देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आज 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने देश में अराजकता और आतंक को उकसाने के लिए जो बाइडेन को दोषी ठहराया, उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरे देश में अराजकता, आतंक और विनाश को उकसाने के लिए टिप्पणी कर रहे हैं। उनको इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक के शाश्वत शब्दों की याद दिला दी जानी चाहिए जिन्होंने अमेरिका को महान शैतान कहा था। ऑर्गेनाइजर्स ने रोहित शर्मा से जब पूछा था कि कमरों की सजावट और व्यवस्था कैसी है, तो रोहित शर्मा ने कहा था कि बेहद शानदार है, गेम ऑफ थ्रोन्स वाली फीलिंग्स आ रही है। तब अब आईसीसी के इंस्टाग्राम अकाउंट से रोहित शर्मा के इस कमेंट को लेकर वीडियो शेयर किया गया है। इसमें होटल रूम और हॉल की सजावट दिखाई गई है, साथ ही बैकग्राउंड में गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी सीरीज का टाइटल ट्रैक सुनाई दे रहा है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी ने मुरजी पटेल की उम्मीदवारी वापस ले ली है। राज ठाकरे, शरद पवार और शिंदे समूह के प्रताप सरनाईक ने बीजेपी से दिवंगत विधायक रमेश लटके की विधवा रुतुजा को निर्विरोध जीतने की अनुमति देने का आग्रह किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का आज चुनाव हुआ। अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान में है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी स्थित संगना कल्लू में यात्रा कैंप में वोट डाला। सोनिया और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में मतदान किया। मतों की गिनती बुधवार को होगी। मनीष सिसोदिया की मानहानि मामले में बीजेपी नेताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिला जुला फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद मनोज तिवारी की याचिका खारिज कर दी है, लेकिन विधायक विजेंद्र गुप्ता को राहत दी है। इन दोनों के खिलाफ सिसोदिया ने निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा था। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन अब नेताजी के ड्राइवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनका ड्राइवर बात करते हुए फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेताजी हमें छोड़कर चले गए, अब केवल यादें रह गई हैं। शी जिनपिंग को चीन और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माना जाता है। यही कारण है कि शी जिनपिंग एक बार फिर चीन की सत्ता संभालने के लिए तैयार है। अगले कुछ दिनों में शी जिनपिंग की आधिकारिक तौर पर ताजपोशी कर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के दबंग तृणमूल पार्टी अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार कर आसनसोल जेल में रखा गया। अनुब्रत मंडल के काली पूजा में मां काली की प्रतिमा पर 570 भरी सोने के आभूषण से सजावट हुआ करती थी। इस बार क्या होगा, इस विषय को लेकर चर्चा जारी है। केंद्र सरकार ने कोरोना टीका की खरीद के अनुसार मंत्रालय ने 2022-23 के बजट में टीकाकरण के लिए आवंटित बजट में से 4,237 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय को वापस कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि टारगेट किलिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक वे यानी भारत और पाकिस्तान बातचीत नहीं करते हैं। उन्होंने यानी कि भाजपा पहले अनुच्छेद 370 को हत्याओं और अन्य चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया था, आज वे नहीं रहे। अनुच्छेद 370 को निरस्त हुए 4 साल हो गए, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं। जगदानंद सिंह की नाराजगी दूर होने की खबर के बीच सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कैमूर में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए खुले मंच से नीतीश कुमार को तानाशाह बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी की सरकार के मंत्री हैसियत चपरासी की है, वह सिर्फ मुहर लगा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए बिना निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि जिन लोगों को बिना रगड़ाई किए पद मिल गया, वे लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी करेंगे तो ठोकर खाएंगे। उन्हें पार्टी में जमे रहना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। अवसर आने पर पार्टी उन्हें मौका देगी, लीडरशिप चांस जरूर देती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक बेहद रोचक मामला सामने आया। बुरहानपुर के देरतलाई पुलिस चौकी में एक 3 साल का मासूम अपनी मां की शिकायत करने पहुंच गया। दरअसल बच्चे ने पुलिस से कहा कि मम्मी मेरी कैंडी और चॉकलेट चुरा लेती है, उनको जेल में डाल दो। मासूम बच्चे की यह शिकायत सुन पुलिस सहित मौजूद लोग हंसी की छूट गए। वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अजय देवगन, रकुल प्रीत और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म थैंक गॉड 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का ट्रेलर और इसके गाने पहले ही दर्शकों के बीच पॉपुलर हो चुकी है और अब फैंस को फिल्म की रिलीज का इंतजार है। आपको बता दें कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने की पूरी पूरी संभावना है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पूरी तरह से फिल्म के फेवर में जा रही है। हाल में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, उसके पीछे कोरोना भी एक कारण है। कोरोना काल के दूसरे दौर में कई मरीज हॉस्पिटल जाने से बचने लगे थे, इस कारण उन्हें जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल पाई थी। जिन मरीजों ने कोरोना को पहचानने में देर की, ऐसे लोगों में खतरा बढ़ा। इनमें से कई ऐसे थे जिन्हें हृदय की समस्या थी। कड़े परिश्रम के बाद भी आराम ना करना हार्ट अटैक को आमंत्रण देना होता है।
भारत के आयात निर्यात बैंक इंडिया एक्जिम बैंक ने भर्ती अधिसूचना जारी की। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य उम्मीदवार 4 नवंबर 2022 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अमेरिका में दवाई कंपनियां किस तरह से अपनी जेब भर रही है उसकी एक बानगी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ट्वीट से पता चलता है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक इंसुलिन की बोतल की लागत $10 की आती है, लेकिन दवा कंपनियां अपने फायदे के लिए इन्हें 30 गुना से भी अधिक कीमत पर जरूरतमंदों को बेचती है। पाकिस्तान को बीते करीब 4 वर्षों में अधिक से FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। अब इसके ग्रे लिस्ट से बाहर आने की उम्मीद की जा रही है। यदि ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। इसके अलावा ये पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज शरीफ की सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरभ गांगुली को ICC अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ाने की वकालत की है। बनर्जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करती हूँ कि गांगुली को ICC चुनाव लड़ने की इजाज़त दे, यह सुनिश्चित किया जाए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गांगुली एक लोकप्रिय शख्सियत है, इसलिए उन्हें वंचित किया जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? फेम वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में अब राहुल नाम के शख्स का जिक्र आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट वायरल हो रही है। उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाने के लिए अपने पेरेंट्स से माफी मांगी है। साथ ही लिखा है कि राहुल और दिशा ने उन्हें मेंटली टॉर्चर किया, उन्हें सजा जरूर दिलवाई जाए। अपने मंगेतर मितेश से भी माफी मांगी है। लास्ट में आई क्वाइट लिखा है। गिरिडीह मधुपुर रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सवारी गाड़ी को घंटों खड़े रखा। रेलवे ट्रैक को जाम कर बैठे लोग मुआवजा और जगदीशपुर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज की मांग कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों को समझाने के बाद जाम को खत्म किया गया। बिहार में डेंगू का कहर जारी है। पटना के बाद अब मुंगेर में भी डेंगू मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। जिले में अब मरीजों की संख्या 100 के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जबकि 2 मरीजों की जान भी चली गई है। तेलंगाना के मुनुगोड़े विधानसभा उपचुनाव से पहले TRS को बड़ा झटका लगा है। पूर्व TRS सांसद मुरा नरसैया गौड़ 19 अक्टूबर को भाजपा में शामिल होंगे। 3 नवंबर को राज्य की मुनुगोड़े विधानसभा में उपचुनाव है। इससे पहले सत्तारूढ़ दल TRS से एक बड़ा नेता भाजपा को ज्वाइन करेगा। केरल में सत्तारूढ़ LDF और राजभवन के बीच कई मुद्दों पर तनातनी चल रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को सरकार के कई मंत्रियों को चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि केरल सरकार के किसी भी मंत्री का बयान उनके कार्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अनाज ढुलाई घोटाले में फंसे कांग्रेस नेता और पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आशु को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया गया है। बता दें कि करोड़ों रुपए के अनाज ढुलाई घोटाले में पूर्व आशु इस समय पटियाला जेल में बंद है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि बिल्डर गब्बू सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापों के साथ उसे राजनीतिक संरक्षण देने वाले आकाओं की भी जांच होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि एक भ्रष्ट बिल्डर और ठेकेदार के यहां छापा पड़ने से जदयू अध्यक्ष ललन सिंह क्यों तिलमिलाए हुए हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मिलावट खोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग बढ़ाने, उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए तलब किया था। मामले में पूछताछ के लिए सिसोदिया सुबह 11 बजे से ही CBI मुख्यालय पहुंचे थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बिट्टू कुमार यादव, संजय सिन्हा, हेना कौसार, मोहम्मद इस्तियाक आलम, हीरा लाल, KK सिन्हा, गुलाब रजा, सनी यादव, मुटू रंगीला, संजय सिन्हा, दीपक कुमार, रविशंकर और सुजीत कुमार झा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है, शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे किसके हाथ में होगी कांग्रेस की कमान? अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।